तो सुप्रीम हीरो के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। जो लोग यहां पे थे ना, सब ने ग्रेट पाइथन के साथ मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और ग्रेट पाइथन था भाई बॉडी इंटीग्रेशन के एकदम पीक लेवल का बंदा, एक एक करके सबको जहां से मारने लग जाता है। ये बंदा भाई जो कि अपने हैंड के लिए काम करता है, ये भाग तो अपने सेट में आता है और कहता है यार बाल बाल बच्चा भाई सबसे तेज में भागा, इतना तेज भागा कि भाई मेरा मुंह निकल गया लेकिन अपनी जान बचा के वापस आ गया। अब ये सेट से मैं जिंदगी में कभी भी बाहर निकलने वाला नहीं हूँ, लेकिन एक सेकंड भाई तो भी भाई कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो ग्रेट पाइथन है ना वो धीरे 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 बंदों को मारते मारते अपना जो टेरिटरी है ना लिटरली हर एरिया में फैलाएगा, यानी एक दिन ना वो हमारे स्टेट में भी आएगा, हमको भी बर्बाद करके हमारे ऊपर भी कब्जा यहाँ पे कर लेगा, यानी उसके हाथों से बच पाना नामुमकिन है। ऐसे करते करते वो ग्रेट यंग डायनेस्टी यहाँ पे मिस्टर हैन रहते वहाँ पे पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ पे आई डोंट नो मिस्टर हैन इसके साथ मुकाबला कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसलिए भाई ख्याल रखिएगा अपना। उसके बाद सीन शुरू होता है भाई हैन की ओर, यानी भाई उसके सेट में जहाँ पे ये बोलते हैं ना मो की बहन मोजू मिलने आई थी, उन्हीं दोनों का लेकर सामने से हैन से कहती हैन कैसे हो यार आज सब कुछ बढ़िया ना। सामने से हैन कहता भाई मेरा तो बढ़िया, लेकिन तुम्हारा भाई और फैन यार उसकी उन दोनों की हालत यहाँ पे खराब लग रही है। मोजू कहते कोई बात नहीं भाई, कुछ समय की हालत खराब है, उसके बाद ना सब कुछ यहाँ पे बढ़िया हो जाएगा, चलो अंदर चल के यहाँ पे बातचीत करते हैं। अंदर जाके बातचीत करना चालू करते हैं। मो सामने से कहते यार तुम्हारा शुक्रिया यार कि इतने समय के लिए मैं गया था, तुमने मेरी बहन के यहाँ पे ध्यान रखा, अगर तुम मेरी बहन के यहाँ पे ध्यान रखते तो कब की भाई मेरी बहन को बहुत कुछ हो जाता, क्योंकि भाई हमारी फैमिली के लिटाई ढेर सारे यहाँ पे दुश्मन है, प्लस भाई तुमने उसे कल्टिवेशन करने में भी यहाँ पे मदद की, तभी तो यार बिना कुछ किए भाई वो ना से 100 लेवल पे चली गई। क्या कोई स्पेशल टेक्निक है, कोई स्पेशल तरीका है भाई, अगर ये तो भाई मुझे भी यहाँ पे बता दो, मैं भी करके अपना लेवल अप कर दूंगा। जो सुंदर सामने से हैन बोलते ना भाई रहन दो, इस टेक्निक के अंदर से ना तुम्हारे सारे के सारे कपड़े फट जाते हैं, तुम कम्प्लीटली यहाँ पे नंगे हो जाते हो, जैसे तुम्हारी बहन भी हो गई थी। सामने से मोह कहता भाई कपड़े फट जाते हैं नंगे हो जाते, अरे मेरी बहन तूने इसके साथ कहीं वो सब तो यहाँ पे नहीं कर लिया, वो सामने से शर्माते शर्माते कहती यार चुप हो जाइए भैया भैया ऐसा मत बोलिए। तो सामने से कहता नहीं रहा इतना गंदा, तुझे सोचने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे सेट कहीं आई मीन तुम्हारे फैमिली के कोई एक डेमोनिक टेक्निक यहाँ पे था जिसमें ककून तैयार हो जाता है और आई डोंट नो क्या क्या होता है हाँ, लेकिन वो टेक्निक तो सीख नहीं सकता, एक टाइप का ना लेगेसी है, और लेगेसी किसी एक ही बंदे को पास यहाँ पर होता है जो पहले से तेरी बहन को मिल चुकी है, यानी तू ये बिल्कुल भी कर नहीं सकता, समझ गया ना। वो भी सामने से कहता ओके ठीक है समझ गया। ये कहता एक सेकंड भाई ये फैन को क्या हुआ भाई, ये फैन तो लगता है धीरे धीरे हो जाता है डिप्रेशन में निकलने के बजाय और डिप्रेशन में जा रहा है। जो सुंदर मोह कहता ना भाई इसका ऐसी है भाई जैसे इसको झटका लगता ना ये डिप्रेशन में जाता है, धीरे धीरे कंप्लीटली डिप्रेशन में चलेगा और फिर धीरे धीरे यहाँ पे वापस भी आ जाएगा, इससे तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ ये एक बात बताना चाहेंगे, जब हम लोग यहाँ पे आ रहे थे ना तो जो ग्रेट पाइथन यहाँ पर ना उस कमीने ने हमको यहाँ पे पकड़ लिया, वो बड़ी बात नहीं भाई, बड़ी बात ये कि मालूम है ग्रेट पाइथन के पास हमको यहाँ पे क्या दिखा भाई, तुम्हारा जो डिसाइपल यहाँ पर ना यंग, हाउ तुम्हारा डिसाइपल यंग वहीं पे था। ये कहते क्या मतलब डिसाइपल यंग वहीं पे था ग्रेट पाइथन के पास, वो बताते यस वहीं पे था, क्या ना उसी ने ऑर्डर यहाँ पे दिया था हमको जाकर पकड़ कराने का, आई मीन ग्रेट पाइथन ने ऑर्डर दिया था यंग को कि हमको पकड़ कराने का, वो यहाँ पे पकड़ के लेकर आ गया था। वो तो भलो यंग के भाई उसने जानबूझ के ना टाइम पास यहाँ पे किया, और टाइम पास करते 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 ना टाइम डिले कर दिया, उसी बीच में हमारी दोस्त शुआन आई, उसने हमें बचा लिया, वरना कब के भाई ग्रेट पाइथन हमें ना भाई ऐसा फ्राई करके खाने के बारे में सोच रहा था। और वो जो है ना भाई यंग वो तो कम्प्लीटली अब इंसान ही रहा भाई, पूरा का पूरा डेमोन यहाँ पे बन चुका है। तो सामने से नाम ये गुस्सा करता है इनके साले यंग के बच्चे, तो मो कहता है शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, मैंने बोला ना भाई यंग नहीं हमारी जान यहाँ पे बचाइए, यानी वो अभी भी हमसे प्यार करता है, वो कम्प्लीटली डेमोन बनकर हमारे दुश्मन यहाँ पे नहीं बना है, गुस्सा मत करो वापस से ना हम उसको अपने पास लेके आ जाएंगे। लेकिन हैन को उस बात का गुस्सा नहीं है, हैन को इस बात का गुस्सा है कि भाई एक और बाप उसने यहाँ पे बना लिया। अगर आपको याद होगा जो भी डेमन देखते हैं ना भाई यहाँ को हमेशा ना उसको अपना एडोप्टिव बेटा यानी अपना बेटा बना लेते हैं, तो जैसे ये बात हुई हैन को मालूम चलता है वही गुस्सा आता है कि अरे एक और डेमन ने उसको अपना बाप बना लिया, अरे पीछे जाने में क्या यहाँ का सरनेम लू था क्या। तो पीछे से मो भी कहता है कि हाँ भी एक सेकंड उसका और इसका क्या कनेक्शन हो भाई लू सरनेम का और इसका। लू नाम का बंदे का बेसिक कहानी था जो कि चाइना में बहुत ही फेमस है, जो कहीं भी जाता ना तो जो बड़े बड़े लोग उसको देखते देखते लाइक करते अपना बेटा बना के अपनी सारी चीजें उसको यहाँ पैसा दे देते हैं। तो इसके बारे में कह रहा था सामने से ये अभी उनसे कहते कह रही यार ये जो मेरा डिसाइपल है ना भाई मेरा डिसाइपल है भाई आगे चल के दुनिया पर राज करने के लिए बड़ी बड़ी चीजें करने के लिए पैदा हुआ है, ना कि हमेशा किसी के अंडर में जाकर उसका बेटा यहाँ पे बन जाने का। पीछे से ना मो शांत करते हुए कहता भाई शांत हो जाए यार, गुस्सा करके कोई भी मतलब होने वाला बिल्कुल भी नहीं है यार, ये जानबूझ के उसका बेटा नहीं बनता, जबरदस्ती उसने बेटा बना लिया था, कुछ बोलता उसकी जान यहाँ पे निकाल लेता। लेकिन कहना भाई जैसे आजाद होकर हम लोग वापस आ रहे थे ना मैंने कुछ अफवाह यहाँ पे सुनी थी कि वो है ना जो तुम्हारा जो डॉगी है ना भाई तुम्हारा कुत्ता उसके साथ ना हाथ मिला के ढेर सारे और डेमोन्स को कलेक्ट करके ग्रेट पाइथन के साथ मुकाबला करके उसको हराने के बारे में यहाँ पे सोच रहा। लेकिन हाँ कुछ दिन पहले ये भी खबर आई थी फर्ड यहाँ पे हो चुकी है और फर्ड में भाई इन दोनों की कुटाई हुई है और बहुत ही ज़्यादा कुत्ते की मौत यहाँ पे कुटाई हुई है। तो हैन को और भी गुस्सा थे वहाँ मेरे डिसाइपल होकर भाई यहाँ पे मार खा रहे हैं, तो उसकी बहन भी शांत कहती भाई शांत हो जाए भाई गुस्सा मत करो भाई, होना था तो हो चुका है, इसका सिस्टम में नोटिफिकेशन लिख गया था कि आपका जो कुत्ता बहुत चोट लगा है यंग जो डिसाइपल उसको भी चोट लगा है, प्लस और दो तीन बंदों का था कि भाई उनके साथ क्या क्या हुआ। तो ये भी सोचते हैं कि
भाई मुझे कभी लगा नहीं था यांग ये कुत्ते मिलकर ना ये गेट पास गुस्सा जाके मुकाबला करेंगे और एंड में भाई मतलब दोनों मार खा के आ जाएंगे। शुआन सामने से बताते ग्रेट पाथो ने ना बॉडी इंटीग्रेशन के ना नोवे लेवल पर यानी समझो एकदम पीक पर है और बहुत जल्दी जो ट्रिबुलेशन स्टेज होता है ना भाई जो बॉडी इंटीग्रेशन के भी ऊपर यहाँ पर आता है उस पे जाने वाला है। तो जैसे ये सुनता है कि अरे बाप रे भाई ट्रिबुलेशन स्टेज पे चला जाएगा साला, सामने से मो कहता है कि वेल यार जो ग्रेट पाथो ना भाई हमारे लिए भाई बर्बादी या बर्बादी, आई डोंट नो भाई तुम्हारे डिसाइपल और जो कुत्ता है ना वो बच के जिंदा निकल पाएंगे या फिर नहीं निकल पाएंगे। ये मनी मनी यहाँ पे सोचता है कि वेल बच के तो निकल गए, मेरे सिस्टम में लिखा है बस चोट लगी थी लेकिन दोनों यहाँ पे बच गए, लेकिन कैसे बचेंगे? अब देखो जो मेरा कुत्ता ना भाई कुत्ता बड़ा कमाल का है, डिवाइन बीस्ट यहाँ पर है तो उसका जो बॉडी है ना बॉडी स्पेशल है तो अपनी जान बचा के बच के निकल सकता है। यांग का क्या भी हो कैसे बच के निकल गया। एक सेकंड सिस्टम में ना दो और बंदों का नोटिफिकेशन आ रहा है जिनको यहाँ पे मैं जानता हूँ जो भी उनको चोट लगा था ग्रेट पाइथन द्वारा, तो हो सकता है इन्होंने भाई लड़ाई की होगी और लड़ाई की वजह से भाई इस यांग को भी मौका मिला होगा। दो बंदे और कोई नहीं, एक भाई वही था जिसके बॉडी में आत्मा है और दूसरे एक और बंदा था भाई जिसके साथ वो गेम खेला था जिसने भाई उससे बातचीत भी की थी, उसको भी हमारा मेन कैरेक्टर जानता है जिसको हमने पुराने एपिसोड में देखा था, अरे जिसको भी इसने सदमा दे दिया था अपना कमाल का शॉट टेक्निक एक्टिवेट करके। अगर आपको याद होगा तो बढ़िया, नहीं तो भाई पुराने एपिसोड एक बार वापस यहाँ पे देख लो। अब इनके वजह से तो हो गया लेकिन ये लोग भी पक्का उसके सामने भाई बैंड बच गई होगी, क्योंकि भाई एक ना वर्ल्ड स्टेज के पहले लेवल पर है और एक वर्ल्ड स्टेज के नोवे लेवल पर है, वो कहाँ बॉडी इंटीग्रेशन के नोवे वाले के सामने टिक पाएंगे। मो सामने से कहता भाई जब जब ये ग्रेट पाथो के बारे में सोचता हूँ ना अंदर से लेकर बाहर तक ना मेरी रूह कांप जाती है। तो उसकी बहन भी शांत कहती है शांत हो जा भाई, जब जब उसके बारे में बात करते ऐसी आपकी फट जाती है। सामने से एन भी कहता है शांत हो जा डोंट वरी, एक काम करो भाई कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है भाई, अब वापस से सेट यहाँ पे जॉइन परमानेंटली कर लो यहीं पर रहो। तो सामने से मोह कहता है अगर हम सामने से दूसरों बंदे को बोलेंगे ना कि देखो भाई हमने सेट वापस जॉइन कर लिया यहीं पे रहेंगे तो लोग लिटरली हमारे ऊपर हंसते कि देखो भाई कितने बेकार सेट छोड़ के डेमोनिक पाथ पे जाते वापस नल्ले जैसा आके ज्वाइन कर लेते, लोग हंसते लेकिन तुम्हारे लिए वाकई में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सुन के मुझे भी अच्छा लगा लेकिन मैं भी इसके बारे में सोचूंगा। और फिर जाने को तैयार थे सामने से कहते हुए तुम्हारा जो आइडिया मुझे अच्छा लगा सोचने का, मैंने बोला शायद मैंने सोच लिया मैं नहीं ज्वाइन कर सकता क्योंकि भाई अब एक डेमोनिक कल्टिवेटर यहाँ पे बन चुका हूँ और ये आइडिया सेट यहाँ पर है तो भाई नहीं रह सकता यहाँ पे, आई एम सॉरी। जो सुनते वो कहता है एक काम करो भाई सेट में रहने को कौन बोला है, तुम मेरे साथ ये माउंटेन पे आ जाओ भाई, इस माउंटेन पे मेरा राज चलता है, यहाँ पे मेरी मर्जी, मैं किसी को बुला सकता हूँ किसी को भगवा सकता हूँ। जो सुनते वो कहता है क्या बात करो सच्ची में, तो इसके लिए भी सोचना पड़ेगा क्या ना, अभी के लिए भाई फैन तो सदमे में है, उसको सदमे से बाहर आ दो फिर बाद में उसके साथ बातचीत करके तेरे को यहाँ पे बता दूंगा और चाय वाय पीने कभी आएंगे भाई, इतना बोल के वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जो शुआन थी ना भाई शुआन पीछे से हटती और अपना तलवार निकालती है और निकाल के सीधा भाई हैन की ओर हमला करने के लिए बढ़ती है, हमला कर भी देती है लेकिन हैन उसके हमले को डॉच करता है, ये अपना अटैक निकाल के उसके गर्दन पे करता है और उसे गर्दन वहीं पे काट देता है, हाँ शुआन के गर्दन काट के अलग कर देता है और कहता भाई ये लड़की बॉडी इंटीग्रेशन के नोवे लेवल पर है लेकिन ये तो एक ही अटैक में मर गई, बहुत ही ज़्यादा वीक है। आप भी सोचोगे भाई एंड में क्या होगा, उसने सच में जहाँ से मार डाला तो क्लियरली यहाँ पे बताया तो नहीं गया है लेकिन मुझे बस ऐसा लग रहा है ना ये उसका जो फेक रियलिटी है जहाँ पे जाके बंदों के साथ फाट करके चेक करता है शायद ये वो कर रहा है, कन्फर्म यहाँ पे नहीं हूँ, या तो हो सकता है लड़की रियल शुआन नहीं होगी उसकी जगह कोई और बहरूपिया हो सकता है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब क्या एग्जैक्टली हमें अगले एपिसोड में मालूम चल जाएगा, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।